नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है ज्योति की। ज्योति जो कि पहले एक सामान्य लड़की हुआ करती थी, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसके बाद उसको मजबूरी में उसके माता पिता को मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ा। वहाँ उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज चलने के बावजूद भी दिन ब दिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो बार बार चीखती चिल्लाती, अजीब अजीब हरकतें करती और बार बार यही कहती कि इसे यहाँ से हटा दो, इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। जबकि उसके कमरे में उसकी ऐसी भयानक हालत देखते हुए किसी और पेशेंट को भी बिल्कुल नहीं रखा गया था, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक वो काफ़ी खतरनाक थी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसी वजह से उससे किसी को भी मिलने की भी बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। माता पिता अगर कभी जोर डालते और मिलना चाहते तो उनको सिर्फ बाहर से देखने की ही इजाज़त थी, या फिर जब उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुलाया गया होता था तब वो उसके करीब जा सकते थे, वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए ही, क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना था कि उनके मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है किसी को इतने हाई डोज का इंजेक्शन देने के बाद भी वो समय से काफ़ी पहले होश में आ जाया करती थी और वापस से वैसी ही हरकतें किया करती थी। वो बार बार सबको कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसकी बात सुन पाता या फिर समझ पाता। ज्योति के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, आइए जानते हैं अब उसकी ज़िंदगी में थोड़ा पहले जाकर। ज्योति एक बहुत ही अच्छी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन ज्योति के मुताबिक उसके रूप रंग में कमी थी। कमी तो किसी में भी नहीं होती, सब भगवान की बनाई हुई ही काया को लेकर इस धरती पर आते हैं और भगवान के लिए भी उनके सारे बच्चे एक समान होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हर माता पिता के लिए उनके बच्चे दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे होते हैं, लेकिन ज्योति पता नहीं किस बात की इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सालों से जी रही थी और इसी वजह से वो कभी भी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाई थी। उसके इस कम बोलने की आदत की वजह से लोगों ने उसको कई सारे नाम दे रखे थे और उसके इस इंट्रोवर्ट नेचर के वजह से ऐसा हाल था कि वो खुद सामने से अगर कोई बात भी कर रहा होता तो उन लोगों से वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाती। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बार में ही लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन उसके इस नेचर की वजह से लोग उससे बात करने आते और फिर कुछ समय बाद उससे दूर जाकर उसी की पीठ पीछे बुराइयां किया करते थे। ज्योति पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि कई बार तो वो अपने टीचर के बिना पढ़ाए ही बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जाना करती थी। उसकी एक इसी खूबी की वजह से जो भी लोग उसके पास आते बस इसी वजह से उसके पास आकर उससे मदद मांगा करते थे, और वो भी कभी भी किसी की भी मदद करने को कभी ना नहीं बोला करती थी। अब ज्योति कॉलेज में जा चुकी थी और कॉलेज में जाने के बाद जैसा कि कुछ कॉलेजेस में कभी कभार पहले हुआ करता था रैगिंग, वैसे ही रैगिंग बाकी सारे लोगों की चल रही थी। ज्योति दूर खड़े होकर इन चीज़ों को देखकर काफ़ी घबरा रही थी। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया और हाथ रखते ही
जब ज्योति ने पीछे पलट कर देखा तो ज्योति ने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की वहाँ खड़ी थी जो ज्योति को देखकर मुस्कुरा रही थी। और जब ज्योति ने उसे पलट कर देखा तो उसने बड़े प्यार से कहा, अरे तू टेंशन काहे को ले रही है, मैं हूँ ना, चल जाते हैं, मैं भी देखती हूँ मेरे रहते हुए यहाँ कौन तेरी रैगिंग करता है। और इतना कहकर उसने ज्योति के आगे अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा नाम माया है। माया बिल्कुल अपने नाम की तरह माया फैलाने वाली लड़की थी। और पता नहीं माया ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से सच में ना तो ज्योति की रैगिंग हुई और ना ही माया की। वो दोनों वहाँ से बड़े आराम से बचकर निकलकर जा चुके थे। अब माया हर वक्त उसके साथ रहने की कोशिश किया करती थी, क्योंकि माया पढ़ाई में थोड़ी वीक थी। वो ज्योति से अपनी मदद की उम्मीद भी करती थी और ज्योति इन चीज़ों में उसके साथ काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर उसकी हमेशा मदद किया करती थी। इन्हीं सब चक्करों में धीरे धीरे उन दोनों को पता ही नहीं चला कि वो दोनों कब एक दूसरे के इतने करीबी दोस्त बन गए कि दोनों का खाना पीना उठना बैठना सब कुछ एक साथ होने लगा। अब कॉलेज के 3 साल लगभग पूरे हो चुके थे, कॉलेज कुछ ही दिनों में ख़त्म भी होने वाला था। आज ज्योति की बर्थडे पार्टी थी और बर्थडे पार्टी पर ज्योति ने माया को अपने घर पर बुलाया था। माया वहाँ पर आई और वहीं पर ज्योति के जानने वाले कुछ और लोग भी आए हुए थे। माया अपने स्वभाव से एक ऐसी लड़की थी जो जहाँ भी जाती उसका जादू कुछ ही मिनटों पर सबके सर पर चढ़कर बोलता था। और वहाँ उस पार्टी में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ जितने लोग थे सब माया से बहुत जल्दी इतने ज़्यादा घुल मिल चुके थे कि वहाँ किसी को ये शायद ध्यान ही नहीं रहा कि वो बर्थडे पार्टी ज्योति की चल रही है। और थोड़ी देर बाद जब ये बात माया को समझ में आई तब माया ने सबका ध्यान ज्योति की तरफ करते हुए कहा, अरे बस बस तुम लोग क्या फालतू के काम कर रहे हो यार, यहाँ बर्थडे गर्ल ज्योति है, अटेंशन उसे दो। और ये सुनकर ज्योति ने अजीब सा मुंह बनाकर अपना सर नीचे झुका लिया। ज्योति को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ज्योति ये जाहिर नहीं करना चाहती थी। वहाँ उस पार्टी में एक ऐसा लड़का आया हुआ था जिस लड़के को ज्योति बहुत सालों से पसंद करती थी, लेकिन वो अपने नेचर के वजह से उससे कभी कुछ कह ही नहीं पाती थी। यहाँ तक कि ज्योति ने गिनी चुनी बार ही उस लड़के से बात भी की थी, वो भी इस लिहाज से कि वो उसका पड़ोसी था। और आज पहली बार माया से मिलते ही वो भी माया का कायल हो गया था। दोनों को ये पता ही नहीं चला कि दोनों एक दूसरे को पहली नज़र से ही पसंद करने लगे। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और ये बातचीत धीरे धीरे नज़दीकियों में कब बदल गई ये बात ज्योति को भी पता नहीं चली। और अचानक एक दिन माया ने ये बात बताई कि वो तेरे पड़ोसी रमेश से प्यार करती है। और ये बात सुनते ही ज्योति के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ज्योति को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ये बात बताए तो बताए कैसे कि वो भी रमेश से बहुत पहले से और बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन माया वो तो माया थी, वो लगातार अपनी बातें ज्योति के सामने रखती जा रही थी। जिस तरह से वो हमेशा बातें करती थी आज वो उससे भी ज़्यादा बातें कर रही थी। वो इतनी खुश थी, इतनी खुश जितना खुश कि आज तक ज्योति ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर 2 मिनट के लिए ज्योति ने अपना मन बदल लिया और अब धीरे धीरे माया अक्सर ज्योति से रमेश की सारी बातें किया करती थी। और वो सारी बातें सुनकर रोज़ रोज़ सुनते सुनते कब ज्योति के मन में माया के खिलाफ नफ़रत भरने लगी, जलन, जहर आ गया।
ये बात ज्योति को भी पता नहीं चली और आज हद ही हो गई थी, क्योंकि आज ज्योति ये बात सुन रही थी कि माया की और रमेश की शादी होने वाली है। दोनों के घर वाले भी मान चुके हैं, उनका रिश्ता तय होने वाला है। बहुत जल्दी सारी बातें फिक्स करके डेट्स भी निकाल ली जाएंगी। ये बात सुनकर ज्योति समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अब करे तो क्या करे। ज्योति का चेहरा देखकर शायद उस वक्त कोई भी ये बात समझ सकता था कि ज्योति को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन माया अपनी खुशी में इतनी मगन थी कि उसने इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया और वो अपनी सारी बातें ज्योति को हमेशा की तरह लगातार बताए जा रही थी। वैसे भी ज्योति ज़्यादा बोलती नहीं थी, इस वजह से माया ही अक्सर उससे बातें किया करती थी और ज्योति सिर्फ चुपचाप सुना करती थी, इसलिए माया के लिए इसमें कोई नई बात नहीं थी। और जब ये सारी बातें माया ने ज्योति को बता दी, तब ज्योति के दिमाग में कई सारी चीज़ें, अजीब अजीब सी बातें घूमने लगीं। वो बार बार यही सोच रही थी कि इसने मुझसे दोस्ती सिर्फ और सिर्फ रमेश को मुझसे दूर करने के लिए किया, जबकि उस वक्त ज्योति को ये बात समझनी चाहिए थी कि रमेश का पहले तो कोई नामो निशान ही नहीं था। ये सारी तो किस्मत की बातें होती हैं, उसके नसीब में उसका प्यार था तो उसे मिल गया, लेकिन गुस्सा, जलन, ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार अगर आपके मन में सवार हो जाए तो वो आपके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। ठीक ऐसा ही आज ज्योति के साथ भी हो रहा था। अब ज्योति के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ माया से छुटकारा पाने का और उससे दूर होने का ख्याल ही चल रहा था। अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, क्योंकि वो ये बात बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दोनों का रिश्ता तय होने के बाद वो उन दोनों को किसी भी तरीके से अलग करे। दिन रात ज्योति इसी ख्याल में पागल सी हुई जा रही थी और ज्योति हमेशा एक जगह पर जाती थी, बैठती थी, अपना बहुत सारा अकेलापन बिताया करती थी। लेकिन जब से माया उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसे उस जगह का ख्याल ही नहीं था। आज ज्योति वापस से उसी तालाब के किनारे पहुंची हुई थी। उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी कि वो क्या करे। तभी अचानक उसके फ़ोन पर माया का कॉल आने लगा और उसने फ़ोन उठाया। ज्योति के फ़ोन उठाते ही माया ने उधर से वापस से बोलना चालू कर दिया। माया ने बताया, अरे कहाँ पे है तू, मैं तेरे घर आई हूँ। ये सुनकर ज्योति ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं थोड़ा बिजी थी। लेकिन माया ने कहा, हाँ बिजी माई फुट, कुछ भी मुझे मत सुना ये सब फालतू की बातें, बता कहाँ है, मैं तेरे पास आ रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये बात सुनते ही तुरंत ज्योति ने उसे जहाँ पर वो थी उस जगह का एड्रेस बता दिया और फ़ोन कट कर दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर माया उसके सामने थी। माया उसके पास आई और आकर उसके गले से लिपटकर थोड़े आंसू आँखों में भरते हुए उससे काफ़ी भावुक होकर कहने लगी, तुझे पता है ज्योति, आज पहली बार मैं इतनी नर्वस हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। ये बात सुनते ही ज्योति ने तुरंत पूछा, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, तू फोन पर भी बोल रही थी तू परेशान है। इस पर माया ने उसे बताया, आज रमेश के माता पिता और रमेश मेरे घर पर आए हैं हमारे रिश्ते की बात करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना ज्योति। ये बात सुनते ही अब तो जैसे ज्योति का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था, उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। माया के 3 बार इसी सवाल को दोहराने के बाद भी ज्योति ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लगातार माया की तरफ गुस्से से देखी जा रही थी, लेकिन माया को शायद ये चीज़ें भी समझ में नहीं आई और
माया ने कहा। बताना यार, मेरा दिमाग क्यों और खराब कर रही है, कुछ तो जवाब दे। मैं तेरे पास इसलिए आई क्योंकि तुझे तो पता है ना, मेरे पास तेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं इतनी सारी बातें इतनी खुल के कर सकूं। अब तू ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? और ये कहते ही ज्योति ने कहा, सच में तुझे लगता है मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूं? माया ने कहा, हाँ, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, मेरे लिए तो मेरी जिंदगी है। तू पगली, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? इस पर ज्योति ने कहा, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगी तो तू मुझे देगी? माया ने कहा, हाँ, तू बोलकर तो देख क्या चाहिए तुझे, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। और ज्योति ने कहा, ठीक है, फिर मुझे तेरी जान ही चाहिए। इतना कहते ही ज्योति ने तुरंत उस तालाब में माया को धक्का दे दिया। उसके सामने माया डूब रही थी, छटपटा रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी और बार बार उससे इस चीज की वजह पूछ रही थी। लेकिन ज्योति आज वजह पूछने की मोहताज नहीं थी। उसका गुस्सा अब इतना फट पड़ा था कि उसने एक एक करके सारी चीजें शुरू से लेकर अभी तक माया के सामने खुद ही खोल कर रख दी। और ज्योति की सारी बातें सुनते हुए माया लग रहा था जैसे अब खुद ही पानी से बाहर नहीं आना चाहती। वो खुद को काफी बेचारा फील कर रही थी और उसके देखते ही देखते माया पानी में डूबकर मर चुकी थी। माया के मरने के बाद भी जैसे ज्योति का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, वो वहां से पत्थर उठा उठा कर लगातार उस पानी में फेंके जा रही थी और बार बार कह रही थी, तू मर जा, तू कभी वापस मत आना, तू मर जा, मुझे तू अपनी जिंदगी में कभी चाहिए ही नहीं थी। और भी काफी सारी बुरी बुरी बातें जो शायद उसने इतने दिनों से अपने मन में भर कर रखा हुआ था। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। जब वो वहां से जा रही थी तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे माया की आवाज सुनाई दी हो। उसने पलट कर वापस से तालाब की तरफ देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। यहाँ तक कि अभी माया की लाश ऊपर भी नहीं आई थी। फिर ये क्या था? ज्योति को लगा ये उसका वहम है और वो वहां से चली गई। उसके बाद से हमेशा ज्योति को अजीब अजीब से सपने आने लगे। ये सिलसिला लगभग 2 हफ्ते तक चला और ज्योति इस चीज से काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन ज्योति धीरे धीरे अब माया की मौजूदगी अपने आसपास महसूस करने लगी। उसे बार बार माया नजर आती और वो उससे हर बार एक ही सवाल पूछती कि अगर ऐसा कुछ था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया, और सच में तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैंने तो तेरे साथ सच में जीने और मरने का ही सोचा था, लेकिन तूने तो सिर्फ मेरी जान ली, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, तू मेरे पास आ जा। और ये सारी चीजें दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लगातार 24 घंटे माया अब ज्योति को दिखाई देती, उससे बार बार अपना अकेलापन बांटने के लिए अपने पास आने को कहती। और ज्योति अब इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो हर किसी के सामने ये बातें सुनती और जवाब देती, लेकिन किसी को भी माया ना तो दिखाई देती और ना ही माया की बातें सुनाई देती। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। पहले तो नॉर्मल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चला, क्योंकि ज्योति काफी दिनों से सोई नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स का मानना था कि नींद ना होने के वजह से उसे ऐसा वहम हो रहा है। और इधर ये बात सबको पता चल चुकी थी कि माया अब इस दुनिया में नहीं है, पानी में डूबने के वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इस वजह से भी डॉक्टर को ये लगता कि उसकी इतनी अच्छी, इतनी करीबी और प्यारी दोस्त को अचानक ऐसे खो देने के वजह से भी शायद थोड़ा बहुत असर उसके दिमाग पर हुआ है। लेकिन किसी को सच्चाई पता नहीं थी। धीरे धीरे अब माया हमेशा हर वक्त 24 घंटे ज्योति के साथ रहती और बार बार
ज्योति से बातें किया करती, ज्योति ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसे भी ये बात समझ में आने लगी थी कि उसके ऐसे बात करने पर लोग अब उसे पागल समझ रहे हैं। वो हमेशा इस चीज़ को करने से अवॉइड करती, लेकिन माया उसको इतना उकसाती, इतना परेशान करती कि वो ना चाहते हुए भी बोल पड़ती और अजीब अजीब हरकतें करती। माया चाहती तो एक बार में ज्योति की जान ले सकती थी, लेकिन माया ने ऐसा कुछ नहीं किया। माया तो उसे सबके सामने गलत साबित करने पर लगी हुई थी। यहाँ तक कि माया ने धीरे धीरे ज्योति की हालत अब ऐसे कर दी थी कि ज्योति ने खुद अपना जुर्म भी सबके सामने कबूल कर लिया। लेकिन अब बहुत समय से ज्योति का साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसके वजह से लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग पर अब इतना ज़्यादा असर हो गया है कि वो ऐसे पागलों वाली बातें कर रही है। इसी वजह से अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे, ज्योति सच में सबको पूरी तरह से पागल लगने लगी थी। किसी भी ट्रीटमेंट का उसके ऊपर कोई असर ना होता देखकर आखिरकार डॉक्टर्स ने उसे पागल खाने में भर्ती करने का बोला। ये बात सुनकर पहले तो माता पिता को बहुत अजीब लगा, लेकिन ज्योति की हालत को देखते हुए उन्हें भी कहीं ना कहीं डॉक्टर की बात माननी पड़ी। और हॉस्पिटल में तो एडमिट होने के बाद ज्योति की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो सच में बार बार खुद की जान लेने की कोशिश करती थी। वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो उसे हमेशा वहाँ से जाने के लिए कहती, लेकिन जब वो ऐसा कहती कि वो तभी जाएगी जब ज्योति खुद उसके साथ चलेगी, और उसकी बातें सुनकर आखिरकार ज्योति अब कई बार खुद की जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। और अगर कोई उसे अपनी जान देने से रोकता तो वो उसके ऊपर हमला करती, जिसके वजह से डॉक्टर्स इस बात के लिए बहुत ज़्यादा श्योर हो चुके थे कि ये बहुत खतरनाक किस्म की मानसिक बीमारी से जूझ रही है, जिसका इलाज शॉक ट्रीटमेंट ही है। ये ट्रीटमेंट भी करके देख लिया गया, लेकिन इससे भी ज्योति की हालत में सुधार आने के बजाय उसकी हालत बिगड़ती ही रही, लगातार बिगड़ती रही। और आज ज्योति को लगभग 15 साल हो चुके हैं उसी मेंटल वार्ड में। ज्योति हर वक्त हर किसी से सिर्फ यही प्रार्थना करती है कि वो या तो उसे उसकी जान लेने दे दें या फिर इसे यहाँ से हटा दें। इसे लेकिन किसे, इस बात का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। और आज भी ज्योति का वैसा ही ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और आप अपना कमेंट मुझे भेजना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे काफ़ी मदद मिलती है अपनी कहानियों को और बेहतर बनाने के लिए। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है और जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।